नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैं आपको डिफरेंट ज्योतिष के कुछ सूत्र बता रहा हूँ जो बहुत ही लॉजिकल सूत्र हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं कि जिनके द्वारा हम प्रेडिक्शन करने में हमें बहुत आसानी होती है। और मैं इसमें आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इनमें से जो मैं बता रहा हूँ ऐसी नहीं है, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ या कहीं से सुन के बता रहा हूँ, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। जितने शास्त्र हैं हमारे उनके अंदर ये चीज़ वर्णित है, उन्हीं की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर दी है मैंने खाली उसकी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही फ़र्क है कि जो श्लोक थे या जो चीज़ थी उसकी मैंने थोड़ी व्याख्या कर दी है, जिससे आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई पड़ जाएँ, यानी आपको चीज़ देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारहवें में जाए तो उस भाव की हानि होती है। अच्छा, अगर दूसरे भाव का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें में चला गया तो धन की हानि, तीसरे भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारहवें में चला गया तो पराक्रम की हानि, चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारहवें में गया तो सुख की हानि, पांचवें भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारहवें में गया तो संतान में आपको समस्या होगी, छठे भाव का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें चला गया तब छठे भाव की हानि। यहाँ पे उल्टा हो गया, छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी अपने छठे आठवां बारहवें जाए तो हानि तो होनी है छठे भाव की, लेकिन छठे भाव की हानि होना अच्छा हो गया, क्योंकि रोग की हानि हो गई, ऋण की हानि हो गई, शत्रुओं की हानि हो गई, आठवें भाव से कलह की हानि हो गई, बारहवें भाव से जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं उनकी हानि हो गई, वो कम हो गए। तो 6, 8, 12 से इम्पोर्टेंट अच्छा रहता है। और ख़ास तौर से मूल त्रिकोण राशि का ध्यान रखिए कि अगर किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 भावों में हो और वो ग्रह अपनी उस राशि से छठे आठवें बारहवें चला जाए तो उस भाव की हानि का मतलब ये है कि उस भाव के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे छठे 6, 8, 12 के स्पेसिफिकली, क्योंकि छठा आठवां बारहवां भाव ही आपका कलह का भाव है, शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, तो उसकी हानि होगी तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देने वाली है। दूसरा चीज़ में एक चीज़ ये भी देखिए तो कि अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो ये है कि लगन से छठे आठवें बारहवें जाना, एक अपने से छठे आठवें बारहवें जाना। दोनों चीज़ें बताई हैं उसके अंदर कि वो भी ठीक नहीं है। किसी भाव का स्वामी अगर अपने से छठे आठवें बारहवें जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। अब सपोज़ कीजिए धन भाव का स्वामी कौन होगा? शुक्र। शुक्र आपके यहाँ आके बैठ गया कुंडली में, तो आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे? आप सिंपली प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई धन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, किसी भी भाव का स्वामी, चूंकि ये प्रिंसिपल है कि किसी भी भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें में जाए तो उस भाव की हानि होती है, भाव के फलों की हानि होती है। तो सिंपल सी बात है, धन भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें में चला गया तो वो धन की हानि होगी। लेकिन इसमें एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि लगन से कौन से भाव में, अपने से कौन से भाव में गया है? 1, 2, 3, 4, 5 अपने से त्रिकोण में गया है। देखिए लगन के लिए कौन से अच्छे भाव होते हैं? लगन के लिए अच्छे भाव होते हैं लगन से केंद्र में गया हो या लगन से कोई भावेश त्रिकोण में गया हो। अगर लगन का स्वामी अपने से केंद्र में गया हो, 1, 4, 7, 10 में गया हो या त्रिकोण में गया हो, 5, 9 भावों में गया हो अपने से, तो उसको अच्छा माना जाता है। लगन का स्वामी यदि अपने से छठे आठवें बार में गया हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो दोनों चीज़ की डेफिनेशन हुई इसके अंदर। अब उसमें है क्या, यहाँ ये देखने में कुंडली में ये आ रहा है कि ये शुक्र जो है ये लगन से तो छठे भाव में है, तो लगन से छठे भाव में होने से धन की तो हानि दिखा रहा है, लेकिन अपने से यानी अपनी राशि से पाँचवा है, त्रिकोण में है, तो धन बताता भी है। इसका मतलब ये है कि धन संघर्ष से प्राप्त होगा, इस तो धन मिलेगा पर संघर्ष से मिलेगा, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था प्रेडिक्शन करते हुए कि धन की हानि होगी, धन नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है। धन मिलेगा बट संघर्ष से मिलेगा, क्योंकि वो धन भाव का स्वामी अपने से पंचम गया है, अपने से त्रिकोण में गया है। तो ये बात भी बहुत ध्यान देने वाली है आपको बात होती है, जो जो प्रिंसिपल लगन से एप्लीकेबल होते हैं वो प्रिंसिपल आप उससे भी लगाइए। अच्छा, अब एक चीज होती है कि ये मैंने आपको बता दिया, कोई भी भाव का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें हो तो वो उस भाव की हानि करता है। एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर कोई ग्रह
ये भावार्थ रत्नाकर में दिया हुआ प्रश्न है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है। अगर कोई ग्रह अपनी दोनों राशियों से अशुभ स्थान में गया, पहले तो ये आप देखिए अशुभ स्थान कौन से होते हैं आपके। अशुभ स्थान होते हैं 3, 6, 11, 6, 8, 12 भी अशुभ कहे जाते हैं। 6, 8, 12 को बेसिकली दुख स्थान बोलते हैं, लेकिन अब उसमें चूंकि छठा कॉमन आ गया, हम अशुभ भी बोल रहे हैं दुख स्थान भी बोल रहे हैं उसको, तो छठे को हम नॉर्मली अशुभ में काउंट करते हैं, 8 और 12 को हम दुख में काउंट करते हैं। 8 और 12 हाउस ज़्यादा खतरनाक होते हैं छठे के मुकाबले, यानी छठे भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो उतना हानिकारक नहीं होता जितना 8वें और 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वो उस घर की बैंड बजा देता है। और छठे 8वें 12वें में कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछली बताया था आपको कि आप जो शरीफ आदमी हैं वो हमेशा से किसी ऐसी जगह पे जहाँ क्लब्स हो, बार हो, वहाँ जाने पे थोड़ा हिचकेगा, और कोई जो बदमाश आदमी होगा वो ऐसी जगह पे हमेशा अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेगा, जहाँ पे ये जुए का अड्डा है, शराब का अड्डा है, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, तो वो अपने को बहुत महसूस करता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में देने वाली बात है कि 6, 8, 12 छठा भाव जो है, 3रा, 6रा, 11वां अशुभ भाव है और 8वां और 12वां दुख भाव है। तो अब इसमें हमने ये बताया आज के अंदर आपको कि दोनों राशियों से अगर कोई ग्रह, मान लिया किसी ग्रह की दोनों राशियां हैं, एक ग्रह की जैसे मान लिया बुध की है, बुध की राशि कौन सी होती है दोनों, 3री और 6ठी, मिथुन और कन्या। अगर वो मिथुन से भी अशुभ भाव में, अशुभ भाव में मिस 3, 6, 11, 8, 12 भाव में चला जाए, सारे अशुभ भाव हैं ये 3, 6, 11, 8, 12 अशुभ भाव और दुख भाव कंबाइंड कर लिए हमने। अगर वो बुध जो है अपनी 3 नंबर राशि से भी 6, 8, 11, 12 भाव में चला जाए और बुध कन्या राशि से भी इन्हीं किसी भाव में हो, 3रे हो या 6ठे हो या 8वें हो 12वें हो कोई भी हो, 11वें हो, तो उस भाव की बैंड बच जाती है, ये ध्यान आप रखिए। क्योंकि उस भाव का स्वामी, उस भाव का स्वामी अपनी दोनों राशियों से अशुभ स्थान में चला गया तो श्योर हो गया ना। एक राशि से अशुभ स्थान में गया, मोस्टली अगर मूल त्रिकोण राशि से अशुभ स्थान में जाता है कोई भाव का स्वामी, अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6ठे 8वें 12वें जाता है तो उसकी, उस भाव की हानि कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लिया दोनों राशियों से अशुभ भाव में चला गया तो फिर तो श्योर एंड सर्टेन हो गया, 100% हो गया कि उस भाव की हानि होनी होनी है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है उस भाव की हानि को। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो ग्रह है या जो भावेश है जिस भाव का स्वामी है वो अपनी दोनों राशियों से किस स्थान में गया है। जब दोनों राशियों से अशुभ स्थान में गया तो हानि हुई, तो सिंपल सी बात है कि दोनों राशियों से शुभ स्थान में जाएगा तो वृद्धि भी होगी। शुभ स्थान कौन से हैं, 1, 4, 7, 10, 5, 9 ये शुभ स्थान है हमारे केंद्र और त्रिकोण के। तो इसलिए आप ये भी देखिए कि अगर बुध है अपनी 3री नंबर राशि से भी वो 1, 4, 7, 10, 5, 9 में जाता है और कन्या से भी 1, 4, 7, 5, 10 में जाता है तो इसकी वृद्धि मानी जाएगी, यानी बुध जिस भाव का स्वामी है उसकी बे इंतहा वृद्धि होगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में देने वाली बात है, ये सिंपल बातें हैं, आपको ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ ये कि छठा भाव जो होता है ना वो आपका देखिए शत्रुता का भाव होता है। अब शत्रुता वाला भाव है, आपको जैसे ये मालूम है कि लग्न से 6ठे 8वें 12वें भाव में जाने पे जो भी भाव का स्वामी लग्न 6ठे 8वें 12वें भाव में जाएगा उस भाव की हानि होगी। सिंपली इसी प्रकार से 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में जाएंगे या जिस भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे उसकी हानि करेंगे। अगर यहाँ 6ठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी, 6ठे का स्वामी बुध है, 8वें का स्वामी मंगल है, 12वें का स्वामी गुरु है, ये जो भी इसके स्वामी हैं वो जहाँ जाएंगे जिस भाव में बैठेंगे, सपोज करो 6ठे भाव का स्वामी क्या हो गया आपका बुध हो गया, तो बुध यहाँ आके बैठ गया, तो 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी जहाँ जाएंगे उस भाव की हानि करेंगे, यानी इस भाव की हानि करेंगे। छठा भाव क्या होता है, शत्रुता का भाव होता है, यानी 6ठे भाव का स्वामी अगर बुध यहाँ चला गया 5वें भाव में तो संतान से आपकी शत्रुता हो सकती है। और ये केवल इसके साथ ही नहीं, इवन अगर बुध आपका कहीं मान लिया यहाँ पे जैसे सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य और बुध यहाँ पे आ गए, तो सूर्य संतान का स्वामी है और बुध 6ठे का स्वामी है,
तो भी हानि होगी, संतान संतान से शत्रुता होगी आपकी, क्योंकि बुद्धि जो है शत्रुता वाला है, सूर्य संतान वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी जिस किसी भाव में जाएगा या जिस किसी भावेश के साथ जाएगा तो उस भाव की हानि करेगा, उस भावेश के भावों की हानि करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि छठे लास्ट स्टूडियो में मैंने आपको बताई थी कि छठे आठवें बारहवें भाव में जो आपके अशुभ भाव होते हैं उनके अंदर अशुभ ग्रह अच्छे कहलाते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब अशुभ ग्रह अच्छे कहलाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि फलदीपिका में ये साफ लिखा हुआ है, भावचिंता अध्याय आप श्लोक नंबर 19 आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि अशुभ भावों में शुभ ग्रह जाते हैं तो वहाँ के दुष्ट फलों का नाश करते हैं और अशुभ ग्रह जाते हैं तो वहाँ के दुष्ट फलों को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि छठे भाव में अगर बुध जाएगा, बृहस्पति जाएगा, शुक्र जाएगा तो छठे भाव के दुष्ट फलों की हानि करेगा, यानी रोग कम करेगा, शत्रुता कम करेगा, वो चीज़ कम करेगा। लेकिन रोग तो देना ही है, जब वो उस भाव में बैठा है तो उस भाव का यज्ञ तो उसने देने ही देने हैं, तो रोग तो देगा ही, शत्रुता भी देगा, लेकिन कम कर देगा, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम कर देगा। लेकिन अगर मान लिया इन्हीं भावों में, दुष्ट भावों में कोई अशुभ ग्रह जाके बैठ गया तो उस भाव की दुष्टता को और बढ़ा देगा, अशुभ ग्रह और बढ़ा देगा, यानी बीमारी और तरीके से देगा, रोग उस तरीके से देगा, ऋण देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वहाँ जाके चूंकि वो ग्रह बलवान हो जाता है, जैसे शनि है, शनि मंगल छठे भाव में अगर बैठ जाए तो शनि मंगल बलवान हो जाते हैं क्योंकि उनको अंधेरा पसंद है। वो ऐसी देखिए, आप ग्रहों की साइकोलॉजी समझिए, आपको जितने अशुभ ग्रह हैं वो हमेशा अशुभ भाव में जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको उसी में इतराते हैं, वो ऐसी जगह जाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। अशुभ भाव किसी ऐसे आदमी को जो थोड़ा गलत सलत हो या पापी आदमी हो उसको बोलो यार तो मंदिर चल, तो वो कहाँ मंदिर जाने में अच्छा लगेगा, उसे बोलो यार तो बार में चलते हैं तो एकदम चलेगा ना। तो इसी प्रकार से ग्रहों की साइकोलॉजी होती है, तो जो अशुभ ग्रह हैं वो हमेशा चाहते हैं कि अशुभ भाव में जाएँ तो बाकी अशुभता तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा फील महसूस करते हैं स्ट्रांग। तो शनि मंगल अगर छठे भाव में आ गए तो छठे भाव की अशुभता को बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, ऋण बढ़ाएंगे, शत्रुता बढ़ाएंगे, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति भी देंगे। इसलिए आपको दुख महसूस नहीं होगा, आपको रोग महसूस नहीं होगा, आपको शत्रुता महसूस नहीं होगी, चूँकि आप उसका सामना भी कर पा रहे हैं। इन भावों में इधर शुक्र आ गया या इधर बृहस्पति आ गया तो इन भाव की रोग तो कम कर रहे हैं, शत्रुता भी कम कर रहे हैं, लेकिन जितनी शत्रुता या जितना रोग बचा उससे लड़ने की शक्ति आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक नियम मैं आपको और बता देता हूँ, वहाँ पे कि कोई भी भाव, ये ध्यान रखिए कि कोई भी भाव अपने स्वामी से युत हो, किसी भाव में किसी भाव का स्वामी बैठा हो या स्वामी से अपने दृष्ट हो तो उस भाव की बहुत वृद्धि होती है। सपोज कीजिए ये यहाँ पर एक नंबर राशि है ये वाली लगन में और मंगल यहाँ बैठ जाए तो मंगल की सीधी नज़र इस पर हो गई। देखिए अगर आपकी अपने घर के ऊपर नज़र है तो जाहिर सी बात है आप घर अपना बिगड़ने तो नहीं देंगे ना। अगर आप घर पे हमेशा नज़र रखते हैं तो ऐसा तो नहीं कोई आए घर में आए आपके चोरी कर जाए, आप उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे जैसे मर्जी है कुछ भी करेंगे। तो इसी प्रकार से चाहे ग्रह अशुभ हो या ग्रह शुभ हो लेकिन अगर वो अपने भाव में बैठा है, अपने भाव मीन्स अपने घर में बैठा है या अपने भाव को देख रहा है या अपने घर को देख रहा है तो अपने घर की अपने भाव की हानि नहीं होने देगा, उसकी हमेशा वृद्धि करेगा। ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए, आगे नियम मैं आपको अलग वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि कुछ छोटा छोटा करके वीडियो में आपको बना रहा हूँ, आपको सुनने में सही रहे और बाई चांस मेरे कैमरे का वो थोड़ा बटन भी प्रीसेट टाइमर कुछ गड़बड़ हो गया है कि अपने आप ही वो कुछ समय के बाद रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है तो उसका भी ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।